फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्पोमिक्स। मैं हूं शाहिन और आज मैं आपके लिए एक ऐसी गाड़ी लेकर आया हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बजट फ्रेंडली रहेगी। और ये गाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आईट्यूब है और ये टीवीएस ने लॉन्च किया है अभी। इसमें स्मार्ट कनेक्ट की फैसिलिटी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसमें जो फ्यूल का है वो कोई हिसाब नहीं है, आपको बस इलेक्ट्रिक से चार्ज करना है, जस्ट लाइक ओला का। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने रिव्यू देखा होगा, तो ये हमको ओला से ज़्यादा अच्छी गाड़ी लगी है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ चाह रहा था कि शेयर करूं। और ये देखिए, ये बहुत ही मतलब खूबसूरत तरीके से गाड़ी को और बहुत ही अच्छे फिट एंड फिनिश के साथ, जैसे कि टीवीएस हमेशा गाड़ी बनाता है उसके हिसाब से इन्होंने बनाया है। और मैं आपको इसकी बहुत सारी फीचर्स के बारे में भी जानकारी दे दूँगा। ये गाड़ी जो है इलेक्ट्रिक से आप चार्ज करेंगे, अपने घर में भी चार्ज कर सकते हैं और इसके साथ एक चार्जर मिलता है जो कि आपको अलग से पे करना पड़ेगा। वो चार्जर आपको साथ में मिल जाएगा गाड़ी के, तो वो आप ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है ये। आपको अगर साइज़ की बात करेंगे तो अगर आपने जुपिटर देखा है टीवीएस का, तो बिल्कुल जुपिटर के साइज़ की ये गाड़ी है। बहुत छोटी नहीं है, मतलब काफ़ी कन्वीनियंट रहेगी ये। आइए मैं आपको डेमो व्हीकल की तरफ ले चलता हूँ, क्योंकि इसमें ये काफ़ी फीचर लोडेड गाड़ी है जिसे चेक करने के लिए हमें डेमो व्हीकल देखना होगा। ये हमारे भाई ने गाड़ी ऑन कर दी है, ये देखिए। और ये इसका फुल्ली डिजिटल डिस्प्ले है जो काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव लगता है देखने में। 67% अभी ये गाड़ी चार्ज है। और ये साइड स्टैंड का, ये आपका मार्क देख रहे हैं ये रेड कलर का, ये साइड स्टैंड का एक रिमाइंडर है। आप स्टैंड जब क्लोज करेंगे तो वो रिमाइंडर हट जाएगा। ये एक अच्छा सेफ्टी फीचर है। और ये गाड़ी काफ़ी मतलब स्मार्ट कनेक्ट के साथ आती है, ब्लूटूथ की फैसिलिटी है। इसमें हज़र्ड लाइट का आपका ये भी स्विच दिया हुआ है, हज़र्ड लाइट अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा कुछ मतलब ये देखिए स्विच है, ये हज़र्ड लाइट का स्विच है। और ये मतलब काफ़ी कन्वीनियंट है गाड़ी और काफ़ी अच्छी गाड़ी मतलब फुल पैकेज के साथ बना करके टीवीएस ने दिया, ताकि कोई तरह की परेशानी उसके ग्राहक को ना हो और अलग से कोई चीज़ लगाने की गाड़ी में ज़रूरत ना पड़े। और इस गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ। काफ़ी साइलेंटली ये गाड़ी स्टार्ट होती है, स्टार्ट होगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये गाड़ी स्टार्ट हुई है। सिर्फ आप डिस्प्ले ये दिखाता है, ये देखिए ये इको मोड पर ये गाड़ी आ गई, ये इको मोड पर गाड़ी स्टार्ट है अभी। और ये स्टार्ट बटन से ही आप इस मोड को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये पावर मोड है, पावर मोड में 37% का रेंज दिखा रहा है, 67% बैटरी अभी चार्ज है इसमें तब। और ये इको मोड पे 67% पर ही 50 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है। और ये इसका डिजिटल डिस्प्ले रहा। और सामने से देखेंगे तो ये आपको DRL दिख रहा है, ये यू शेप में जो आपको ये लाइट है ये DRL है। और गाड़ी के सेंटर में आपके ये हेडलैम्प है और दोनों तरफ में टर्न इंडिकेटर है बगल में। और ये सारा मतलब फुल LED सेटअप है और काफ़ी मतलब अच्छी क्वालिटी का आप बोल सकते हैं सामान टीवीएस ने इस्तेमाल किया है। 12 इंच के व्हील्स हमें मिलते हैं फ्रंट और रियर में, और ये डायमंड कट अलॉय के साथ फ्रंट वाला व्हील आता है। रियर वाले व्हील में तो मोटर लगी हुई है। और ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आप देख पा रहे हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड पर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिस्क ब्रेक है जो कि सिंगल पिस्टन के साथ आता है। गाड़ी में सब कुछ मतलब ध्यान से बनाया गया है, काफ़ी मतलब ऐसे आप बनाया गया है गाड़ी को कि किसी तरह की कोई परेशानी चलाने में नहीं हो। मुझे ये चीज़ पर्सनली बहुत अच्छी लगी। ये कार्बन फाइबर के फिनिश पर ये दिया है इन्होंने, टीवीएस का ब्रांडिंग है और जो कि इलेक्ट्रिकली ग्लो करता है। जब आप गाड़ी को टर्न ऑन करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक जो लिखा हुआ आ रहा है ये पूरा ब्लू कलर से ग्लो करेगा। ये पीछे में हाइड्रोलिक कॉइल टाइप का सस्पेंशन है जो कि डुअल सस्पेंशन मिलता है दोनों साइड पर, जिस तरह से बाइक में आता है उस तरह का इसमें सस्पेंशन सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी मतलब अच्छा है और फील भी आपको अच्छा देगा हाईवे पर। ये पीछे LED लाइट का सेटअप है, टेल लाइट है, यहाँ iQube की ब्रांडिंग है और क्यू पार्क असिस्ट आप लिखा हुआ देख रहे हैं। इसमें क्या होता है कि ये रिवर्स पार्किंग के लिए असिस्ट दिया हुआ है, गाड़ी को आप रिवर्स मोड पे भी चला सकते हैं मोटर के थ्रू, जो कि लगभग 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप रिवर्स कर पाएंगे गाड़ी को किसी भी इंक्लाइंट पोजीशन पे भी। तो ये एक अच्छी चीज़ है, मुझे पर्सनली गाड़ी बहुत अच्छी लगी है। बाकी इसको बुक करने का इन लोगों ने दिया हुआ है अभी कि आपके TVS के वेबसाइट पे आप गाड़ी को बुक कर सकते हैं। ये 22 लीटर का आप देख रहे हैं बूट स्पेस है और ये फ़ोन चार्जर इसमें साथ में दिया जा रहा है, मोबाइल चार्जर और एक USB पॉइंट है। और ये लाइट आपको बूट में दी गई है ताकि आप अंधेरे में कुछ भी देखना हो तो देख पाएँ। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों को TVS ने ध्यान में रखा। ये आपका कुछ टूल किट वगैरह है। तो आप अगर इस गाड़ी के तरफ जाना चाहें तो मेरे सजेशन में तो बिल्कुल जा सकते हैं। ये फुटपैग है पिलियन के लिए और ये फोल्डेबल है, फोल्ड हो जाता है। और ये आपका लेगरूम भी अच्छा खासा दिया हुआ गाड़ी में, कोई तरह की आपको दिक्कत नहीं होगी बैठने में। जुपिटर का अगर आप लोगों ने देखा है, नज़दीक से देखा ही होगा आपने और चलाया भी होगा बहुत से लोगों ने, तो बिल्कुल उतना ही साइज़ है इस गाड़ी का।
तो काफ़ी मतलब मुझे पसंद आई गाड़ी। अब देखता हूँ कि ये मतलब बुकिंग के बाद कितने दिन में मिल पाती है। जैसा कि लोगों ने बताया कि अभी बुकिंग मतलब ऑनलाइन ही हो रही है और वहीं आपको डेट वगैरह सारा कुछ मिलेगा, तो TVS के वेबसाइट पर जा करके आप उसे बुक कर सकते हैं और वहीं पे आपको आपके शहर का शोरूम का ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट करने का, वहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए और गाड़ी आ जाने के बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। 5000 का ये बुकिंग अमाउंट ये लोग चार्ज कर रहे हैं अभी और लगभग 1,20,000 रुपये की ये गाड़ी है। मुझे गाड़ी देखिए थोड़ा सा ओवर प्राइस लगी है, हो सकता है बाद में इस गाड़ी का प्राइस ओला के रेंज को देखते हुए थोड़ा कम हो। वैसे मेरे ख्याल से ओला का रेंज भी बहुत ज़्यादा है प्राइस का। अगर आप एक मतलब गाड़ी ऐसी लेना चाह रहे हैं कि जो हर तरह से यूज़ कर पाएँ, और जाहिर सी बात है जो लोग तेल में पैसा फ्यूल में पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा और कम प्राइस पर गाड़ी को उतारा जाए ताकि सब लोगों के पहुँच पर वो गाड़ी आ सके। मेरे तरफ से इतना ही है। मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। मुझे ये गाड़ी पर्सनली अच्छी लगी थी इसलिए मैंने चाहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। कैसी लगी आप लोगों को गाड़ी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हेलमेट पहनिए।